नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बैक हुक ब्लाउज कटिंग करना सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको कुछ न कुछ हर एक वीडियो से सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से ही आपको बताते हैं। आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल का आइकन जरूर से दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसे कटिंग करना सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन ब्लाउज है और ये हमारा अस्तर है। इस अस्तर को हमने धोकर बिल्कुल अच्छे से और प्रेस कर लिया है, इसे बिल्कुल सीधा कर लिया है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड रखा है, खुलने वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा है। बैक पार्ट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसमें जितने भी इसकी कान है या इसकी किनारी है वो सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से इसे हम निकाल लेंगे और एक आधा सेंटीमीटर आधा इंच पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो बैक में मार्जिन के लिए आएगी, और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसे हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हमारा जो ब्लाउज है रेडी सिला हुआ है, उसका मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट सबसे पहले कटिंग करेंगे। ये ऊपर शोल्डर से बिल्कुल इसके फिक्स मेजरमेंट लेंगे, जो भी इसका मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 13 इंच पर हमारा मेजरमेंट आ रहा है, तो 13 और 1 इंच प्लस करेंगे, इसमें 14 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, और ये 5.5 इंच पे इसका आर्म होल लगाएंगे। सेम ऐसे ही निशान आगे की तरफ लगाएंगे तो हमारी लाइन सीधी करने में आसानी रहेगी। इस तरह से ये दो लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर हमारी कमर होगी, यहाँ पर हमारे शोल्डर होंगे। शोल्डर के सबसे पहले निशान लगाएंगे, डीप नेक के हिसाब से 2.5 इंच और 5.5 इंच का शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर लगाने के बाद कमर का नाप करेंगे ब्लाउज का, रेडी। जहां पर हुक लगी हुई है वहां से इसे पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर तरीके से, और इसे आई जहां बनी हुई है वहां तक हमें इसकी कमर करनी है। तो हमारी कमर है 27 इंच, 27 इंच का 4th पार्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो 7.5 इंच 6.75 इंच यहाँ पर आएगा, वो निशान हमें लगा लेना है। 1 इंच बैक में टैक्स लगाएंगे उसके लिए मार्जिन, ठीक है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ पर आप 1.5 इंच 1 इंच 2 इंच भी रख सकते हैं, फिलहाल हमने 2 इंच रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम इसके चेस्ट का नाप करेंगे, वही जहां से आई बनी हुई है वहां से हम इसे पकड़ेंगे और बस्ट साइज से ऊपर से पकड़ते हुए आर्मोल से थोड़ा नीचे की तरफ, और नॉर्मली तरीके से डीप नेक में आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, अन्यथा आपका मेजरमेंट बढ़ सकता है, इसलिए इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। इसे ही आप घुटने पर जो पैर का घोड़ा होता है उस पर भी रखकर इसी तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा मेजरमेंट आया है उसका 4th पार्ट यहाँ पर निशान लगाएंगे। 35 आया है तो 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रख लेना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में हमें यहाँ पर इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन आर्मोल की और 1.5 इंच के आसपास बाहर की तरफ निकलती हुई लाइन खींचेंगे, और आगे वाली लाइन से यहाँ ये फिटिंग का, और यहाँ से हम इसे कटिंग करेंगे, और यहाँ पर इसका भी सेंटर करके यहाँ 4 इंच पर या 3.5 इंच पर कमर के हिसाब से ये बैक टक्स का निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर 3.5-4 इंच पर ये बैक टक्स का निशान चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें कर्व की सहायता से इस स्केल की सहायता से ऐसे शेप दे सकते हैं, या आप यहां से 1.25 इंच 1.5 इंच का मार्जिन लेकर भी शेप लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा स्केल न है। वो तो इससे ज़्यादा अगर छोड़ते हैं तो बैक साइड में जो फुग्गा सा बनता है, इसलिए फिक्स ही रखें। ये बैक साइड का टक्स का निशान, और ये हम लगा रहे हैं 4.5 इंच
चार इंच भी लगा सकते हैं ब्लाउज की अगर लेंथ छोटी है तो। ब्लाउज की अगर लेंथ बड़ी आती है तो ये टैक्स बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से हम बैक साइड की जो टैक्स है वो लगाते हैं। अब इसका आप बैक का गला नाप करते हैं। बैक का गला मेजरमेंट करने का दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से आप पकड़ें 10 इंच पे आ गया, और एक यहाँ से देखें कि मेरा जो डीप कितना है बचा हुआ यहाँ पर। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर यूज लेते हैं। जहाँ जैसे पकड़ा वैसे ही यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे वाला 1 इंच प्लस करते हुए, ठीक है, आधा इंच ऊपर की तरफ आधा इंच नीचे की तरफ मार्जिन। तो ये हमारा परफेक्टली निशान है। इस तरह से आप अपने बैक साइड का गले का निशान लगा सकते हैं। और इसमें शेप लगा लेते हैं इस तरह से निशान लगाकर, और इसमें आप मनचाहा शेप जो आपको गले में चाहिए वो शेप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर राउंड वी शेप हम लगा रहे हैं। इस तरह से हमारा मार्किंग हो चुका है और इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। ये देखिए बैक पार्ट का, अब हमें ये देखिए यहाँ पे जॉइंट है और ये वाला पार्ट हमारा जहाँ पर ये सेट हो वहाँ पे हमें रखना है, क्योंकि इसमें बिना जॉइंट वाला फ्रंट में एक बेल्ट भी निकालना है। तरह से हमने इसे सेट कर लिया है, और सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर देखिए, और ये लाइन भी आप इसी के बराबर ड्रॉ कर लें, ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी आपको कटिंग करने में। अब हमारा जो ब्लाउज है इसका बेल्ट जो चौड़ी है वो नापेंगे। यहाँ से मार्जिन सही थी नाप लेते हैं इसकी, इस तरह से नापें आप। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर पे पकड़े और मार्जिन सही थी नापें, तो ये हमारा आ रहा है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे एक, ठीक है, और एक निशान 12.5 का ये लगा लेंगे, और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से सीधी एक, और इसे रख लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इस तरह से करीबन 1.25 इंची बढ़ाते हुए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो टैक्स लगाएंगे फ्रंट वाली वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने रखा है, इसको सेट किया है, और इसे आप यहां से कटिंग कर लें। और ऐसे ये निशान और ये निशान, ताकि हमें ये सीधा लाइन खींचने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम इसे खींच सकते हैं इस तरह से, और ये वाला हो जाएगा इस तरह से। फ्रंट का गला हमारा ये देखिए, मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर ये मार्जिन आ गया सिलाई में जाने के लिए, और इसे नापेंगे इस तरह से, और इसे दे देंगे गोलाई इस तरह से, जहाँ पर ये सही बैठता है ये ऊकाई की पट्टी एक्स्ट्रा निकालते हुए यहाँ पर, ठीक है, और ये लगा लेंगे सीधा निशान, और इसमें गले की गोलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ तो इस तरह से आप शेप लगा दें। इसमें फ्रंट पार्ट में डीप कटिंग होती है, यहाँ आपके पास ऐसा कर्व है स्केल है, तो उसकी सहायता से भी आप इसमें यूं मिलाते हुए और अच्छे से शेप लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हो गया, बाकी के टक्स का भी निशान लगा लेते हैं। अब ये देखिए इसमें नीचे से जो टोटल है 3.25 इंच पे, तो 3.25 इंच पे नीचे से लगा लेंगे, और ये देखिए साइड से इसका है, इसका साइड से आ रहा है ये 3.5 के आसपास, और यहाँ पर इसमें ठीक है, और 1.25 के आसपास इसमें ये लगी हुई हैं, जैसे ये देखिए 1.25 इंच पे, और ये 1.25 इंच पे इधर आ जाएगी, और
ये वाला निशान यहाँ पर आ जाएगा और इसको क्रॉस करते हुए ऐसे यहाँ पर ये लग जाएगी, ठीक है। और ये थोड़ी सी हम इसे ऊपर रखने वाले हैं और ये साइड वाली डार्ट हम यहाँ से लगाएंगे। ये थोड़ी सी हमारी छोटी सी माइनर सी दो तीन सूत ऊपर की तरफ आएगी तो इसका जो गोलाई का शेप है अच्छे तरीके से आएगा। सामने में 1 इंच का इसमें शेप लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी मार्किंग लग चुकी है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसका बेल्ट कटिंग करते हैं। 2.5 इंच तो ये यहाँ से साइड से देख रहे हैं हम, 2.5 इंच रेडी बेल्ट आ रहा है तो 1/2 इंच इधर का और 1/2 इंच इस साइड का, तो 2.5 1 हो गया 3.5 कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है ये वाला इस तरह से, ये देखिए इस तरफ जॉइंट है इसमें और यहाँ पर हम 3.5 इंच का एक निशान लगाते हैं और 3.5 इंच का ही ये वाला निशान और इसे कर लेते हैं यूँ। कमर हमारी 27 इंच है तो 7.25 इंच पे हम ये कमर का निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर भी हम मार्किंग लगा लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा साइड की तरफ मामूली सा इस तरफ क्रॉस में देंगे हल्का सा। 1 इंच जो हमने इसमें शेप लगाया था ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में वो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे और इसे इसी शेप में हमें जैसे इसमें कटिंग किया था उस इसी शेप में हमें इसमें लगाना है और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बेल्ट भी कटिंग हो जाता है। आस्तीन का जो हमारा कपड़ा बच रहा है इसे कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड। और यहाँ से इसे कर लेंगे सीधा और एक लाइन और लगा लेंगे मार्जिन दबाव के लिए यहाँ पर। अब इसकी आस्तीन जितनी भी है ये देखिए आस्तीन यहाँ से नापेंगे इसका सिलाई के अलावा, ये आ रही है हमारी 4.5 इंच तो ये हमारी हो गई ये 4.5 इंच इस जगह पे और 1/2 इंच सिलाई के लिए। यहाँ आप इसे सीधा करके भी नाप सकते हैं इस तरह से, इसको शोल्डर पे पकड़ें और ये देखिए यहाँ से नापें और यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब नीचे आप क्या लगाएंगे इसमें ये देखिए, इसे मोरी का निशान यहाँ पर आ जाएगा इसका और इसका जो शेप आ रहा है ये देखिए यहाँ पर आ रहा है और इसी की सीधी लाइन खींच लेंगे। अगर किसी को एक्यूरेट ब्लाउज चाहिए जैसे कि इसमें मार्जिन इतना ही रह रहा है ये देखिए, ठीक है ये आ गया और इसमें थोड़ा सा गोड़ लेंगे यहाँ पर, इसमें भी सिलाई में जाएगा ना तो इसलिए यहाँ पे लेंगे तो इस लाइन को यहाँ पे कर लेंगे। मोरी आएगी, चेस्ट इसका आ गया और एक चीज़ यहाँ पे नापे आप इस तरह से, इसको इस तरह से अच्छे से रखें, ठीक है इस तरह से यहाँ पर पकड़ें और ये जो आ रहा है इसका ये देखिए 6.25 इंच पर आ रहा है तो ये 6.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ब्लाउज के मेरे और भी मैथमेटिक्स से सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कटिंग और स्टिचिंग के, हर तरह के वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 15 से 20 वीडियो हैं। या तो आप मीना बुटीक सर्च करें यूट्यूब पर, मीना बुटीक ब्लाउज वीडियोस तो भी आ जाएगा या चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ की हमने, इसका भी हम 1/2 हाफ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ 1/2 इंच इधर और इसमें भी हम इस तरह शेप लगा देंगे।
जो मार्जिन हमने इसमें साइड में छोड़ा था वही आस्तीन में भी हमें 2 इंच छोड़ना है। और इस तरह से हो गया। यहाँ पर हल्का सा बैक साइड में मैं, ये देखे, ये मेरा बैक साइड है, इसमें हल्का सा लगा रहा हूँ और इसे मैंने रख लिया इस तरफ से, और इसे इस तरह से डीप कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। और यहाँ पे लगा दे कुट का, तो ये आस्तीन का हमारा हो जाएगा फ्रंट वाला पार्ट। इस तरह हमारी आस्तीन भी कटिंग हो चुकी है। देखिए मेरा मेन फीस ब्लाउज का मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया, जैसे अस्तर को किया था वैसे ही हमें इसको करना है। और ये हमारा बैक पार्ट यहाँ सेट कर लेंगे, इसमें सेम वैसे ही हमें सेट करना है इसे। ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे सेट कर लेंगे, ये देखिए, और ये बेल्ट सेट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में जो हमारी आस्तीन है वो भी हम यहाँ पर इस तरह सेट कर लेंगे। अगर बूटियाँ होती हैं, जैसे बूटियाँ चढ़ती हुई उतरती हुई, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है ब्लाउज करते वक्त, ठीक है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा रखते हुए, ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए थोड़ा सा कटिंग करने है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो जानकारी होती है वो अच्छे नॉलेज वाली ही लेकर आता हूँ। जो हमारा एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस तरह से आप ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।